आंखें तो ऐसे वैसे खाब रखे हैं, हम दो आंसे पांच सांस तुम्हें खाना खा साथ, क्योंकि मुझे कुछ मीठा चाहिए ही रहता है, हम कुछ ना कुछ खाना खा मीठा खाते ही हैं। वेलकम बैक माय चैनल। ये रात में करीब 9:45 बजे की वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। चलिए गाइस, तो आज फिर देखते हैं आज कुछ नया स्पेशल मैंने बनाया है। आप लोग भी जरूर बनाइए कि ये इसको जिस तरह लौकी का कोफ्ता बनाती हूँ उसी तरह इसकी पकौड़ी बना डालूँ। मैंने कहा रे वाह क्या बात बताई, मैंने कहा चलो आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। चलिए फिर अब सस्पेंस ख़त्म करती हूँ यहीं पर। ये स्पेशल डिश कौन सी है आप लोग भी सुनकर चौंक जाएंगे। ये है पपीते की पकौड़ी। ठीक है, यहाँ पर आज हमने बनाया है पपीते को, हमने घिस लिया है, कद्दूकस करके घिस लिया है। घिसने के बाद इसमें हमने बेसन को ऐड कर दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा जीरा डाल दिया, अजवाइन डाल दिया और हरी धनिया हमारे पास नहीं थी, ख़राब हो गई थी, काला डाल दीजिएगा टेस्ट के लिए। इसमें प्याज वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं, फटाफट आपस में दोनों को मिक्स कर दीजिए। पानी भी ना डाले पहले मिक्स करिए, बाद में जितना पानी चाहिए उसको पानी को आप उसमें ऐड कर दीजिए। फिर तेल आप डाल दीजिए, जो भी तेल आप यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइन कुछ भी, उसको आप कढ़ाई में डालिए और फटाफट यहाँ पर हमारी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है।